नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे न्यू टॉपिक पोल एंड पोलर। लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द सर्कल बट एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर को छोड़ के आपने सर्कल के कोई भी पॉइंट सर्कल के प्लेन में आपने लेना है, सेंटर को छोड़ के। देन दी जैसे अगर ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर को छोड़ के आप कहीं पे भी कोई पॉइंट कंसिडर कर लो। देन पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। मीन्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द कॉर्ड ड्रान थ्रू पी। अगर ये हमारे पास वो पी पॉइंट है, पी से पास कर ही अगर कॉर्ड ड्रा करेंगे, ठीक है, तो कॉर्ड के जो एंड है, जो सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करने पे आए हमारे पास, उन पे अगर टेंजेंट ड्रा करें, वो जो टेंजेंट्स है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनके लोकस को क्या बोलते हैं, पोलर। जैसे एक तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया L1, ठीक है। अगर P से पास करती कोई और कॉर्ड ड्रा कर दें और उस पे सर्कल टेंजेंट ड्रा करें एंड पे, तो एक पॉइंट ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास L2 आ गया। ऐसे ही अगर P से पास करती कोई और आप टेंजेंट ड्रा करो, सॉरी कॉर्ड ड्रा करो पी से पास करती, उस पे अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट करो, टेंजेंट्स की इक्वेशन जो एंड पे टेंजेंट ड्रा करो सर्कल को विद रिस्पेक्ट टू, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अभी ये जो L1 L2 L3 का जो अगर ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला जो लोकस हमारे पास जो आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड, सॉरी पोलर ऑफ। ऐसे ये तो थोड़ा सा सही नहीं बना, अदरवाइज ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू दी सर्कल। अब पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, बट एक्सेप्ट दी सेंटर। सेंटर को छोड़ के आप कहीं भी पी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, सेंटर पे भी लाई कर सकता है, सेंटर के बाहर भी हो सकता है। ना जैसा कि हमने बात की कि पी सेंटर को छोड़ के आप कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप सेंटर पे, अगर आप पी को सेंटर कंसिडर करोगे, तो सेंटर को पास करती हुई जो अगर आप जो कॉर्ड पास करेगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे सर्कल को, तो वो सर्कल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर पी आप सेंटर कंसिडर करोगे, तो कभी भी हमारे पास L1 L2 पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो टेंजेंट्स आप ड्रा करोगे, वो टेंजेंट्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और सिमिलरली अगर पी जो पॉइंट अगर पी पॉइंट हम सर्कल के ऊपर कंसिडर करें, तो जो पोलर होगी जैसे अगर पी से पास करती अगर कॉर्ड ड्रा करें, तो जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, जो पोलर आएगी, मीन्स जो पोलर होगी वो क्या होगी, टेंजेंट ही होगी, ओके। अगर तो पी पॉइंट सेंटर पे सेंटर होगा, तो वो कभी भी टेंजेंट्स आप इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स कभी भी हमें पोलर नहीं मिलेगी। अगर पी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, पी विल लाई ऑन द सर्कल, देन जो पोलर होगी वो टेंजेंट ही होगी, टेंजेंट होगी टू द सर्कल एट पी।
और अगर पी पॉइंट सर्कल के बाहर आप होगा पॉइंट कोई, तो जो पोलर होगी वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही होगी। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो हमने लास्ट टॉपिक हमने किया था, जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टी टी डैश लिखी थी हमने, ठीक है। अगर पी पॉइंट सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जो पोलर आएगी हमारे पास कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही आएगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ पोलर। जैसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखी थी, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पी एक्स वन वाई वन विद रिस्पेक्ट टू दी सर्कल, सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है। अगर इक्वेशन ऑफ पोलर लिखनी हो पी पॉइंट पे, तो क्या होगी, एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये सेम वही इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाली, जो टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिखी थी, ठीक है। तो अब इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये सर्कल है P, यहां पे कोई पॉइंट है x1 y1 एक्सेप्ट दिस सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अगर P जो पॉइंट है इससे ड्रा करती, अगर कॉर्ड लिखेंगे इसे पास करती, और जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करेंगे एंड पॉइंट्स पे, अगर वो Q पॉइंट सपोज x डैश y डैश पे इंटरसेक्ट करती है, नाउ लेट Q x डैश y डैश बी एनी पॉइंट, क्योंकि जो इंटरसेक्शन के पॉइंट, जो जितने भी इंटरसेक्शन का पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, उनके जो लोकस है, वो जो लोकस आएगा दैट इज कॉल्ड दी पोलर, ठीक है। P को हम बोलेंगे पोल, और जो लाइन जैसे कि हमने पहले भी किया था, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोलर। तो लेट Q x डैश y डैश बी एनी पॉइंट ऑन द पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हमने पहले डायग्राम में भी किया था, पहले जब डेफिनेशन की थी, अगर ये हमारे पास पोलर है, तो यहां पे हमने जो पॉइंट ऑफ क्यू, एक क्यू पॉइंट लेट कर लिया एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये एनी पॉइंट ले लिया हमने पोलर पे। तो पोलर पे जो भी पॉइंट होगा, अगर आप पोलर पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टेंजेंट होगा। नाउ अगर क्यू जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है, तो ये वाली जो टी टी डैश आएगी, ये क्या हो जाएगी, क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी। अगर क्यू की ओर से देखें, नाउ देन टी टी डैश क्या होगी, इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पी क्यू एक्स डैश वाई डैश टू दी सर्कल, गिवन सर्कल, ठीक है। अगर क्यू डैश से पास करती टेंजेंट ड्रा करें, तो अगर वो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगी। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इंटू एक्स डैश प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इट पासिस थ्रू पी। नाउ सिंस इट पासिस थ्रू पी, एक्स वन वाई वन, तो ये वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा, सो हमारे पास आ जाएगा एक्स वन एक्स डैश प्लस वाई वन वाई डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो क्यू हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लेट किया था ऑन दी पोलर, तो देयरफोर
जो लोकस आ जाएगा, देयर फोर लोकस ऑफ क्यू एक्स डैश वाई डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पोलर आ गई। ये सेम वही इक्वेशन जो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जैसे लिखते थे, तो सेम आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पोलर लिखनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम होंगी, क्योंकि वहां पे जब हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखी थी, वहां पे इस पॉइंट को हमने पी एक्स वन कॉमा वाई वन लिया था, पी पॉइंट यहां पे था एक्स वन वाई वन, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाली आ गई थी। अब ये वाला पी है हमारे पास, पी हमारे पास पॉइंट क्या है, एक्स वन कॉमा वाई वन, तो कॉर्ड, तो ये वाली जो है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो क्यों की है, पी की थोड़ा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये। ठीक है, तो पी की तो क्या आ जाएगी हमारे पास, तो पी ये वाला पॉइंट है, इसकी जो पोलर होगी तो यहां पे यहां से लाई करेगी, यहां से पास करेगी। ठीक है, ये वाला पी पॉइंट है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इस लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, देखने में दोनों सेम है, लेकिन डेफिनेशन का यहां पे फर्क है। वहां पे पी पॉइंट यहां पे पड़ा था, तो ये वाली इक्वेशन को हम, ये वाली इक्वेशन एक्स इंटू एक्स वन, ये वाली इक्वेशन टी टी डैश को रिप्रेजेंट करती थी। अब पी पॉइंट अगर यहां पे पड़ा है, तो ये वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये वाली हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो क्यू से पास करती है। तो इसी के साथ जुड़ी हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है कि अगर P की पोलर Q से पास करेगी, तो सिमिलरली Q की जो पोलर होगी वो किससे पास करेगी, P से। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर P की पोलर Q से पास करेगी, तो जो Q की पोलर है वो क्या करेगी, P से पास करेगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है, तो इससे दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको अलग से भी मैं प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, इससे दोनों चीज क्लियर हो जाती है कि जो इसकी पोलर है जो वो इससे पास करेगी, और जो इसकी पोलर है वो ये वाली लाइन इससे पास करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इफ पोलर ऑफ ए पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल पासिस थ्रू क्यू, अगर पी की पोलर क्यू से पास करती है, देन क्यू की जो पोलर होगी वो किससे पास करेगी, पी से। नाउ यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सर्कल की कंसिडर कर ली, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, ये हम गिवन सर्कल हम कंसिडर कर लेते हैं, हमने कोई इक्वेशन कंसिडर कर ली। नाउ पी एक्स वन कॉमा वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू, हमने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। नाउ पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल वन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैसे लिखनी है, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखते थे, एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोलर ऑफ पी। नाउ सिंस इट पासिस थ्रू क्यू पॉइंट एक्स टू कॉमा वाई टू, तो ये क्या करेगी, कैसी होगी, तो जो क्यू पॉइंट एक्स टू कॉमा वाई टू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स टू प्लस वाई वन इंटू वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसको अगर इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लें, अब फिर से जैसे यहां पे पोलर ऑफ पी लिखा था, नाउ पोलर ऑफ क्यू, तो अब क्यू की अगर पोलर लिखें, तो वो हमारे एक्स टू वाई टू की पोलर लिखें विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन सर्कल, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स टू प्लस वाई इंटू वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ इफ इट पासिस थ्रू पी, अगर ये पास करेगी पी से, तो ये कैसी होगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस वाई वन इंटू वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री बोथ आर सेम, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमारे पास सेम आ रही है,
सो इट इज क्लियर दैट फ्रॉम 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट कि जो P की पोलर है वो Q से पास करेगी और जो Q की पोलर है वो किससे पास करेगी, P से. सो पोलर ऑफ P विल इफ इफ पोलर ऑफ P पासिस थ्रू Q देन पोलर ऑफ Q किससे पास करेगी, P से पास करेगी. और ऐसे पॉइंट्स ये जो P और Q है इनको बोलते हैं कंजुगेट पॉइंट्स. क्या है ये कंजुगेट पॉइंट्स? कंजुगेट पॉइंट कौन से है? अगर P किसी एक पॉइंट की पोलर दूसरे से पास करे और दूसरे की पोलर पहले से पास करे तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कंजुगेट पॉइंट्स. तो हैंस यहां पे P और Q हमारे पास क्या आ गए? कंजुगेट पॉइंट्स. नाउ जैसा अगर डायग्राम से देखें तो P और हमारे पास Q क्या है? कंजुगेट पॉइंट्स. और ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली दो लाइंस, क्योंकि अगर ये पी है तो दिस इज द पोलर ऑफ पी जो क्यू से पास कर रही है, और अगर ये क्यू हमारे पास है तो क्यू पॉइंट है तो इसकी पोलर पी जो पी से पास कर रही है. ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं इनको बोलते हैं कंजुगेट लाइंस. पी और क्यू को बोलते हैं कंजुगेट पॉइंट्स, और ये जो दो लाइंस हैं इनको बोलते हैं कंजुगेट लाइंस. नाउ ये तो थी डेफिनेशंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ओके.